हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा हाउ आर यू ऑल आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग ग्रेट सो गाइज करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशूज का आई थिंक दिस इज लेक्चर नंबर सेवन एंड अगेन यहाँ पर हम टेन क्वेश्चन uh, को कवर अप करेंगे आज के जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से फैक्चुअल इंक्लाइनेशन होगा मैंने आपको पहले भी बताया कि वी आर गोइंग टू फॉलो द मिडल पाथ ओके ना तो हम कंप्लीटली सिविल सर्विसेज यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करेंगे ब्लाइंडली और ना ही ब्लाइंडली हम बैंकिंग पैटर्न को फॉलो करेंगे अब हम एक मिक्सचर लेकर के चलेंगे बिकॉज आपका जो एपीएफसी का या एओयो का एग्जाम है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ इसी टाइप की है ओके सो लेट अस क्विकली स्टार्ट एंड बिफोर गोइंग इनटू इट दीज आर द एमसीक्यू कोर्सेज जो अवेलेबल हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है यू कैन एक्सप्लोर देम पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों विच इंडियन सिटी वॉज रिसेंटली ऑनर्ड एज द ग्रैंड विनर ऑफ ए आई पी एच इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड अनाउंस हुए थे और ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि पहली बार इस तरह के कोई ग्रीन सिटी अवॉर्ड जो है एंड इसके अंदर कौन सी इंडियन सिटी ग्रैंड विनर रही है ऑप्शन ए है बेंगलुरु बी हैदराबाद सी चेन्नई डी गांधीनगर सो वट विल बी द राइट आंसर ओवर हियर गाइस यहां पर आपका जो सही जवाब होगा दैट विल बी ऑप्शन बी हैदराबाद तेलंगाना हैदराबाद को बेसिकली ग्रैंड विनर ऑफ एआईपीएच डिक्लेयर किया गया है इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन वो पेपर में पूछ लेता है ओके एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट दीज वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवॉर्ड गिवन जैसे कि मैंने आपको बताया ओके okay? एंड uh, इसके अंदर बेसिकली जो टाइटल था जो हैदराबाद को मिला दैट इज ग्रीन गार्लेंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड हैदराबाद को एक और अवार्ड मिला विच इज कॉल्ड द लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ओके सो ये आप याद रखेंगे और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है दैट इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स ऑल्सो कॉल्ड एज ए सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ विच ऑफ द फोन पॉइंट विद्स इन टू ठीक है जी नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज की गई थी अक्टूबर में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इन करेक्ट है मैं बार बार बोल रहा हूं ये करेक्ट इनकरेक्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ऑप्शन ए दर्टी सिक्स नेशनल गेम्स वर हेल्ड एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद गुजरात फॉर द फर्स्ट टाइम विद मैक्सॉट सोवाच ओके ओके देन सेकंड स्टेटमेंट इज द सर्विसेज टीम्स अंडर द एजेस ऑफ सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड बिकेम द विनर ऑफ नेशनल गेम्स और ये चौथी बार कॉन्जिक्यूटिवली जीते हैं फॉलोड बाय महाराष्ट्र स्टेटमेंट सी कहता है कि तमिलनाडु बैक द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बेस्ट स्टेट ट्रॉफी फॉर फिनिशिंग सेकेंड इन मेडल्स टेली विद द मोस्ट मेडल्स अमंगस्ट स्टेट एंड यूटीज डी है पूजा पटेल ऑफ गुजरात हैज बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासना इन द ट्रेडिशनल कैटेगरी तो बिट अफ फैक्चुअल हुई है तो आती हैं नहीं पढ़ी हुई तो नहीं आती है. इसके केस में जो गेस वर्क है उसका स्कोप काफी रिड्यूस जो है वो हो जाता है ओके okay? सो so, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ओके सो द राइट आंसर हेयर गाइज इज ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑल राइट तो देखते हैं इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी कौन सी है देखो तो ए बी डी तो करेक्ट हो गए ना है ना सी इनकरेक्ट है क्योंकि तमिलनाडु वाला यहां पर सिनेरियो बदल जाएगा डिटेल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले तो देखो जी ये जो 36 नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे ये सात साल के गैप के बाद ऑर्गेनाइज किए गए थे तो इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट है ओके okay? और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनकी ओपनिंग की थी एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात याद रखना है कि किसने ओपन किया था और कहां पर किया था कई बार वो इस टाइप की स्टेटमेंट्स भी पूछ लेते हैं ओके दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द गेम्स वर हेल्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात पहली बार गुजरात के अंदर नेशनल गेम्स हुई है ओके okay? इंडियन कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है सो so, ये भी आप याद रखेंगे सर्विसेज टीम जो है जो बेसिकली एस एस सी बी के अंडर आती है इनको सिक्सटी वन गोल्ड थर्टी फाइव सिल्वर एंड थर्टी टू ब्रॉन्ज मेडल्स इन्होंने जीते एंड दैट इज वाई दे वर डिक्लेयर एज द विनर ऑफ नेशनल गेम्स और चौथी कॉन्जिकली बार सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड विनर बना ठीक है का क्या मतलब होता है लगातार एंड सेकेंड नंबर पर था महाराष्ट्र स्विमर साजन प्रकाश जो केरला से हैं इनको बेस्ट मेल एथलीट और हशिका रामचंद्रा कर्नाटका से इनको बेस्ट फीमेल एथलीट जो है वो डिक्लेयर किया गया था इन दीज स्पोर्ट्स गेम्स ओके सो ये दोनों नाम भी आप याद रखेंगे महाराष्ट्र को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन मिला ना कि तमिलनाडु को जो बेस्ट स्टेट ट्रॉफी है बिकॉज स्टेट्स के अंदर पहले रैंक पे तो सर्विस बोर्ड आ गया ना अगर स्टेटवाइज देखे तो स्टेटवाइज तो महाराष्ट्र ने टॉप किया है ऑल राइट right. सो so, महाराष्ट्र को ये अवार्ड मिला है पूजा पटेल गुजरात की इनको ये पहली आ, एथलीट बनी जिनको जिन्होंने गोल्ड जीता योगासना के अंदर बिकॉज ये न्यू गेम इंट्रोड्यूस किया गया था इसके अंदर गुजरात की दस वर्षीय शौर्यजीत खेरे इन्होंने भी हिस्ट्री क्रिएट की बाय बिकमिंग द बंगेस्ट मेडलिस्ट ऑफ 36 नेशनल गेम्स ओके गे, सबसे युवा नेशनल गेम्स के अंदर मेडल जीतने वाले व्यक्ति बने शौर्यजीत खेरे और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मलाखंब के अंदर ओके तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं सात साल बाद थर्टी नेशनल गेम्स हुए थे और स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन देखो मैं तभी कह रहा हूँ ना मिडल पाथ हमें क्यों लेना है क्योंकि ना तो सिविल सर्विसेज के अंदर सिविल सर्विसेज के अंदर तो

ट द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस तो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन कब ऑर्गेनाइज किया गया देखो यहां पर क्वेश्चन के अंदर ही थीम गिवन है कई बार क्वेश्चन से भी हमें सीखना होता है ठीक है जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं या जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन बना दे अब जैसे यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे डे पूछा हुआ है वो आपसे थीम भी पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर यूपीएससी में पूछे गए हैं थीम इनफैक्ट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में भी थीम्स के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में सो so, आपको बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ऑप्शन ए थर्टींथ अक्टूबर बी फिफ्टीन सी ट्वेल्थ या डी फोर्टीन सो द राइट आंसर गाइज ओवर हेयर इज ऑप्शन बी फिफ्टींथ अक्टूबर एंड साथ के साथ थीम भी आप इसकी याद कर लेंगे क्योंकि वो भी पूछ सकता है वो राइट तो यूएन इसको सेलिब्रेट करता है हर साल अक्टूबर 15 को थीम आपको मैं बता चुका हूं और पहली बार 2008 में इसको सेलिब्रेट किया था नेक्स्ट व्हाट रैंक इंडिया होल्ड इन द दिफ्टी ग्लोबल हंगर इंडेक्स विच वाज रिलीज इन अक्टूबर 2022 इंडिया का रैंक पंद्रह ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर अक्टूबर दो में रिलीज किया गया था ऑप्शन ए हंड्रेड बी हंड्रेड सी हंड्रेड डी नाइनटी ओके okay, अगेन अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के थ्रू गए हो तो आंसर कर सकते हो नहीं तो कोई चांस ही नहीं है आंसर होगा ऑप्शन ए 107th रैंक सो so, 15th ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसके अंदर इंडिया का रैंक नीचे आ गया हम 107 पे आ गए हैं आउट ऑफ 121 कंट्रीज तो काफी पुअर हमारा परफॉर्मेंस है हमारा जो स्कोर था दैट इज 29.1 एंड हम सीरियस कैटेगरी में आते हैं हंगर की विद सच अ लो रैंक इंडिया का 2021 में जैसे कि मैंने आपको बताया छह प्लेसेस से हम गिर गए हैं सो so, एक uh, 2021 में हमारा रैंक 101 था आउट ऑफ 116 कंट्रीज और अब 107 हो गया आउट ऑफ 121 कंट्रीज 2020 में 94th था तो आप देख रहे हो कंटीन्यूअसली हमारा रैंक जो है वो गिर रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है इसको बेसिकली एक यूरोपियन एनजीओ जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ इसको पब्लिश करते हैं ज्वाइंटली और अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा एंड साउथ एशिया ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसे रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा हंगर देखने को मिलता है सबसे ज्यादा चाइल्ड स्टंटिंग रेट है और चाइल्ड वेस्टिंग रेट है ओके okay, तो इंडिया भी वन ऑफ दीज कैटेगरी के अंदर आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन ग्लोबल मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन है बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस इंडेक्स के हिसाब से हाउ मेनी पीपल इन इंडिया हैव बीन एबल टू लिबरेट फ्रॉम पॉवर्टी ओके ओवर अ फिफ्टीन ईयर पीरियड तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि पिछले पंद्रह सालों में 2005 हजार से लेकर के 2019-21 -20 के बीच का जो पीरियड है इसमें कितने लोग हिंदुस्तान में अपने आप को पॉवर्टी से बाहर लेकर के आ पाए हैं ऑप्शन ए 100 मिलियन बी 270 मिलियन सी 310 एंड डी ए 415 मिलियन अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड द राइट आंसर गाइज़ इज ऑप्शन डी 415 मिलियन इन सब क्वेश्चंस के अंदर कोशिश करनी है कि पहले क्वेश्चन को देख कर के समझ कर के वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आंसर देखें और ये देखें कि आपके कितने आंसर्स जो है वो सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं ऑलराइट सो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 जिसका टाइटल था अनपैकिंग डेप्रीवेशन पैकेजेस टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इसके हिसाब से इंडिया के अंदर 415 मिलियन लोग जो हैं वो पिछले 15 साल में पॉवर्टी से बाहर आए हैं रिपोर्ट को पब्लिश किया है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो बेसिकली एक यू का एक इनिशिएटिव है ओके यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में ये इनिशिएटिव जो है वो रन किया जाता है एंड रिपोर्ट क्या बोलती है कि 2020 के पॉपुलेशन के डाटा के हिसाब से इंडिया हैज बाय फार द लार्जेस्ट पुअर पीपल इन द वर्ल्ड सबसे ज्यादा गरीब लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोग हिंदुस्तान में है दैट इज अराउंड टू मिलियन लोग हिंदुस्तान में अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं फॉलोड बाय नाइजीरिया तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान में रखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन इंडिया ने रिसेंटली एर्थ एडिशन ऑफ वुमेंस एशिया कप क्रिकेट के एशिया कप की बात हो रही है वो जीता है और ये सातवीं बार इंडिया ने इस कप को जीता है और इसमें किस कंट्री को हमने बेसिकली डिफीट किया था बिफोर यू नो विनिंग दिस कप ऑप्शन ए यूएई बी थाईलैंड सी श्रीलंका डी पाकिस्तान अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी श्रीलंका सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ वेन वॉज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर द इडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ट्वेंटी थीम ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस अगेन क्वेश्चन क्या है कि पूछा हुआ है थीम आपको गिवन है ऑप्शन ए बी फोर्टी सी फिफ्टींथ डी एटींथ अक्टूबर एंड हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेवनटीन्थ अक्टूबर क्वेश्चन नंबर एट के ऊपर आ जाओ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड डे थीम पूछी गई है आपसे अब यहां पर डेट गिवन है थीम पूछी है ऑप्शन ए चेंज द फ्यूचर ऑफ माइग्रेशन बी सेव फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो सी आर आर फ्यूचर एंड डी लीव नो वन बिहाइंड ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर तुक्के का स्कोप नहीं होता एलिमिनेशन का कुछ नहीं होता या तो आता या नहीं आता है वाली चीज होती है आंसर होगा ऑप्शन डी लीव नो वन बिहाइंड नाइन्थ क्वेश्चन अभी रिसेंटली अक्टूबर मंथ के अंदर बुकर uh, प्राइज जो है वो uh, मिला है फॉर द बुक कॉल द सेवन मून्स ऑफ माली एलमीडा इस टाइप के क्वेश्चंस अगेन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं बट अगर आप एपीएफसी या एओईओ के प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे पूछे गए हैं तो बुकर प्राइज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज uh, है फॉर द नॉवेल्स और फॉर द लिटररी पार्ट इसीलिए ये पता होना चाहिए ओके सो द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज इज ऑप्शन बी मार्गोरेट एट ऑफ नेडा सॉरी uh, uh, शेहान करुंतेलिका ऑफ श्रीलंका ऑप्शन uh, बी है इसका आंसर right. तो का का नाम और का नाम और दोनों याद रहने चाहिए अच्छे से टेंथ क्वेश्चन जी अक्टूबर 2022 में uh, जो आपके जस्टिस डी वाई चंद्रचूड जो है इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है एंड ही विल बी होल्डिंग चार्ज फॉर टू ईर्स सो so, ये भारत के कौन से सीजेआई है फिफ्टी सेकेंड फोर्टी एथ फोर्टी सेवन तरह के सरप्राइजिंग क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर कई बार आ जाते हैं बच्चे को वो ये नहीं पूछने वाला कि करंट सीजीआई कौन है उसको पता है कि एक सीरियस कैंडिडेट को ये तो पता ही होगा कि करंट सीजीआई कौन है वो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लेता related, है नंबर रिलेटेड so, ठीक है सो चंद्रचूट साहब जो है ये इंडिया के फिफ्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हाफ सेंचुरी पूरी हुई है ओके चलिए सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन गाइस एंड आई होप ये क्विक सेशन आपको पसंद आया हो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं ये जितने भी हम सेशन uh, के अंदर क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के अंदर से निकाल करके क्वेश्चन लाए हुए हैं एंड इनके चांसेस काफी हाई है कि पेपर में आएंगे तभी इनको इंक्लूड किया गया है ओके सो पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है यू जस्ट हैव टू पे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइंटी नाइन रूपीज गाइस एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टेक केयर एंड बाय